पत्थर के औजारों के बाद कांसी की दरियाफत और रुपये की इजाद ने बनी नौ इंसान को इसके इर्द गिर्द के माहौल की तबी रुकावटें दूर करने में बड़ी मदद की थी। इसके अलावा खुद इंसान में जबिली तौर पर ऐसी सलाहियतें शुरू ही से मौजूद थीं जिसे माहौल की मुश्किलात पर काबू पाने में मदद फराहम करती थी। इंसान की एक ऐसी ही सलाहियत अशिया को शुमार करने की थी। अपनी इसी सलाहियत से फ़ायदा उठाकर इंसान ने बाद के ज़मानों में इल्म रियाजी पर अबूर हासिल किया और इसकी मदद से बहुत सी मशीनें ईजाद कीं। इन मशीनों में गिनती के लिए इस्तेमाल होने वाला गिनतारा या अबाकस इंसान की अव्वलीन ईजाद है। गिनतारे को हम कदीम ज़माने का कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इसकी अव्वलीन किस्म जो एक तख्ते पर रेत बिछा कर तैयार की गई थी, अहले सुमेर ने कदीम इराक में तकरीबन 3000 कबल मसीह में ईजाद की थी। तख्ते पर बिछाई गई रेत में उंगली या छड़ी से निशानात लगाए जाते और फिर उन्हें शुमार कर दिया जाता था। अंग्रेजी जबान का लफज अबाकस सामी जबान के लफज अबक से निकला है, जो शायद अहले समेर की इस सादा गिनती की मशीन को कहते थे और इसके लफ्जी मानी भी रेत ही लिए जाते थे। रेत के बने हुए इस गिनतारे ने सदियों में इर्तकाई मराहल तय करके 500 कबल मसीह में कदीम मिस्रियों के यहाँ तारें रोए हुए मोतियों वाले चुकट्ठे की शक्ल इख्तियार कर ली, जो आज तक मरवत चली आ रही है। इस किस्म के गिनतारे में मोती या शुमारिंदे मतवाजी सलाखों पर या नालियों के अंदर हरकत करते हैं। कदीम ज़माने में गिनतारे का इस्तेमाल रोम, हिंदुस्तान, चीन और यूनान की तारीख में भी मिलता है। यूनान के फलसफी आई लैम्बिलेकस 250 ईस्वी से 325 ईस्वी के मुताबिक फीसागोरस गिनतारे की मदद से ही अपने तलबा को ज्योमेट्री और हिसाब की तालीम दिया करता था। क्लासिकी अहद के रूम में भी गिनतारे के इस्तेमाल की शहादतें मौजूद हैं। कदीम हिंदुस्तान में भी इसका इस्तेमाल आम था। कदीम चीन में भी मुस्तमल गिनतारे में 10 तारों में 7-7 मोती या शुमारिंदे परोए जाते थे। शुमारिंदा का एक ग्रोह इकाई की नुमाइंदगी करता और दूसरा 5 के हिंसे की और तीसरा दहाई की। इन शुमारिंदों को हरकत देने से गिनतारा इस्तेमाल करने वाला
आज के बरकी कैलकुलेटर की तरह जमा तफरीक और ज़र्ब व तकसीम का अमल कर सकता था।